का मैं एक वाक्य आप लोगों को सुनाऊंगा। दोस्तों, नवाब साहब एक नवाब अकबर बुगची सिर्फ बुगतियों का नहीं था। नवाब अकबर बुगची एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है और एक फलसफे का नाम है। और उसने अपनी जिंदगी में अमली तौर पे साबित किया कि वो बलूचिस्तान की धरती से, बलूचिस्तान के पश्तूनों से, बलूचिस्तान के बलोचों से और बलूचिस्तान के मसाइल से उनको प्यार था। दोस्तों, 99 में जब मेयर क्वेटे का इलेक्शन होने जा रहा था तो मेरे मद्दे मुकाबिल मकबूल, मेरे भाई मकबूल रेड्डी साहब मेरे मद्दे मुकाबिल थे। तो उस टाइम 99 में सईद अहमद हाशमी साहब, क्योंकि वो, मैं आज भी कहता हूँ कि सईद अहमद हाशमी मेरे सियासी उस्ताद हैं। ये बाद में मैं 2007 में उस टाइम मुझे सईद हाशमी साहब ने कहा कि नवाब साहब डेरा बुगची में है, तो उन्होंने नवाब साहब का फिक्सियत नंबर मुझे दिया। मैंने खुद नवाब साहब को टेलीफोन किया कि नवाब साहब मेरा क्वेटे के मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन होने जा रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके मध्य मुकाबिल कौन है। मैंने कहा नवाब साहब मध्य मुकाबिल मकबूल लेडी साहब है। तो मुझे कहा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा नवाब साहब जमहूरी वतन पार्टी के दो वोट हैं, एक अकलियत का साइरस असफंदियार का और दूसरा वोट खवातीन शायदा इरशाद साहिबा का। दोस्तों, यानी इस शख्स के खलूस को या इखलास को, यानी मैं खुद आज बतौर एक अकीदतमंद के और उसके फॉलोअर का मैं यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। अल्लाह पाक उनके कब्रा, मैं यहाँ के हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ रूनी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नवाब साहब के लिए और उनके जिंदगी में और उनके विजन के लिए जो अल्फाज अदा किए, और अगर यही अल्फाज, मैं तो ये कहता हूँ कि आज जहर काकड़ साहब ने बात यहाँ फिर की, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ बलूचिस्तान के तमाम नवाबों को और नवाब तमाम सरदारों को यहाँ कायदे जमहूरियत, मैं तो कहता हूँ कायदे जमहूरियत अकबर बुगची था, मैं और किसी कायदे जमहूरियत को नहीं मानता हूँ। आ करके यहाँ इस पंडाल में उसकी जिंदगी के ऊपर और उसके बताए हुए असूलों के ऊपर, यहाँ उनके बच्चों के साथ, उनके खानदान के साथ, उनके कबीले के साथ और उनके पार्टी के साथ, उनके सोच और फिक्र के साथ इजारे यकजहती करते। आखिर में मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नवाबजादा जज़ैन खान, शाहज़ैन खान बुगची साहब को, जमहूरी वतन पार्टी को और उनके तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जब भी उनकी सियासत के हवाले से, उसके सोच और फिक्र के हवाले से, इंशाल्लाह हमें हमेशा अपने साथ पाएंगे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाब अकबर खान, आप लोग कहोगे जिंदाबाद। नवाब अकबर खान बुगची, नवाब अकबर खान बुगची, नवाब अकबर खान बुगची। आप तमाम पाएंगे।